सो हे गाइस, होप यू लिविंग एवरी पिक्सल एंड बिट ऑफ योर लाइफ। मेरा नाम है अभिनव गर्ग, आप देख रहे हैं चैनल टीम एस्ट्राइज। और आज मैं आपको नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि शाओमी के फोन्स आपको क्यों नहीं लेने चाहिए। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, जो आपने पिछली वीडियो पर रिस्पॉन्स दिया मोटोरोला वाली वीडियो पर, अगर आप नहीं जानते कि मैं किस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ मैं वीडियो डाल दूंगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, काफ़ी अच्छी वीडियो हमने मेहनत से बनाई है और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स उस पर आए। 471 व्यूज़ है उस पर जब मैं लास्ट चेक कल किया था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे व्यूज़ के लिए, और लाइक भी करा बहुत लोगों ने, कमेंट भी करा। अभी तक उस पर 40 के आसपास कमेंट्स हैं मेरे रिप्लाईज़ को मिला के, वैसे अगर देखा जाए तो 20-25 के कमेंट्स आसपास होंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उस पर इतनी अच्छी रिस्पॉन्स दिया, और ऐसी वीडियो को पसंद करते रहिए। और एक चीज़ मैंने देखी कि 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है जो कि चैनल को देखते हैं, मतलब वीडियोज़ को देखते हैं जो। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, उस पर व्यूज़ दे रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्दी से जल्दी जो है इसको 500 सब्सक्राइबर्स पहुंचा दीजिए। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने पिछली वीडियो पर रिस्पॉन्स दिया, ऐसी हर वीडियो पर रिस्पॉन्स देते रहिए, थैंक यू। तो अब हम बात करते हैं कि आपको शाओमी के फ़ोन क्यों नहीं लेने चाहिए। देखिए, इसमें हम तीन फैक्टर्स को लेकर बात करेंगे। पहला आता है एंटी चाइना सेंटीमेंट, दूसरा आता है आपका प्राइवेसी इशू, और तीसरा आपका आता है एड्स। देखिए, पहले की अगर हम बात करें जो कि है एंटी चाइना सेंटीमेंट, तो उस हिसाब से आपको कोई भी चाइनीज़ फ़ोन नहीं लेना चाहिए जो जिसकी ओरिजिन कंट्री चाइना है। और देखिए, एंटी चाइना सेंटीमेंट पे मेरा व्यू ये है कि एटलीस्ट अगर फ़ोन जो है आपका वो मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है इंडिया में, चाहे असेंबल ही हो रहा है इंडिया में, तो उसके जैसे हमारी इंडिया को भी ग्रोथ मिल रही है। इंडियन गवर्नमेंट के पास भी पैसा जा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के पास भी टैक्स जा रहा है, प्लस जो असेंबली में वर्कर्स रखते हैं उसमें, उन लोगों को भी जॉब मिल रही है। अगर हम चाइना के फ़ोन लेने बंद कर देंगे तो असेंबली इन इंडिया ही हो जाए वो फ़ोन, तो काफ़ी सारे लोग अपनी जॉब खो देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी देश में। और मेरा मानना यह है कि आपको लेने चाहिए अगर फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है, और अगर आपको उस प्राइस ब्रैकेट में कोई अच्छा फ़ोन नहीं मिल रहा है जो कि ओवर प्राइज्ड है फ़ोन, जैसे सैमसंग के कुछ फ़ोन्स हैं जो कि थोड़े से ओवर प्राइज रहते हैं लेकिन लिए जा सकते हैं, जैसे M21 है, वो मेरे हिसाब से प्राइस जस्टिफाई नहीं करता जैसे उसमें स्पेसिफिकेशन है। सॉरी, मैं फॉर्मल मार दिया थोड़ा सा। तो मेरे हिसाब से आपको M21 वगैरह ये सब नहीं लेने चाहिए, या फिर A21 हो गया। तो मेरा मानना यह है कि एटलीस्ट अगर असेंबली हो रही है इंडिया में, तो उसकी वजह से हमारी इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और सरकार के पास भी पैसा जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा प्रॉफिट चाइना के पास जाता है, वो चीज़ ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है तो मेरे हिसाब से लेना चाहिए। ठीक है, ये मेरा व्यू था। दूसरी चीज़ आती है हमारी प्राइवेसी इशू। देखिए, शाओमी के फ़ोन में प्राइवेसी इशू बहुत ज़्यादा है। क्लीन मास्टर ऐप हो गया, या फिर आड़े टेढ़े चाइनीज़ ऐप्स हो गए, वो अभी भी उसमें एग्जिस्ट करते हैं। जैसे उन्होंने रेडमी नोट 9 लॉन्च किया था तो उसमें क्लीन मास्टर अभी भी है। तो मेरे ख्याल से आपको अभी शाओमी के कोई भी फ़ोन नहीं लेना चाहिए। बात करूँ अगर मैं पोको M2 प्रो की, तो उसमें जो चाइनीज़ ऐप्स जो है वो बैन भी हुए थे, वो भी उसमें एग्जिस्ट करते थे। उसका रीज़न ये हो सकता है कि फ़ोन ऑलरेडी पहले बन चुका था, मैन्युफैक्चर हो चुका था, तो उसमें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर वगैरह डल चुका था। अब इतने सारे फ़ोन में से निकालना तो इतना आसान नहीं होगा। तो शाओमी के फ़ोन फ़िलहाल आप मत लीजिए जब तक उसमें क्लीन मास्टर वाला इशू है, जब तक प्राइवेसी इशूज़ में है, जब तक आपका डेटा यहाँ से वहाँ होने की आपको संभावना लग रही है, तब तक आप मत लीजिए उसको, तो मेरा ये मानना है। और बात करें अगर हम रियलमी वगैरह या फिर बाकी चाइनीज़ ऐप्स की, जैसे ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, वन प्लस वगैरह हो गए, तो इनके फ़ोन्स के लिए फिर भी जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपडेट पुश करने शुरू कर चुके हैं जिसमें क्लीन मास्टर वगैरह हट जाएगा। और मेरे हिसाब से आप इनके फ़ोन लीजिए, शाओमी के अभी आप मत लीजिए। मेरे पास भी एक शाओमी का फ़ोन पड़ा है, रेडमी 4, जो मैं मोटोरोला 150+ से पहले यूज़ करता था, तो उसमें भी क्लीन मास्टर वगैरह सब कुछ है। मेरे ख्याल से OTA अपडेट जितनी जल्दी आएगा उतना अच्छा होगा। बाकी कंपनीज ने पुश करने शुरू कर दिए हैं अपने फ़ोन्स में, रियलमी ने कुछ फ़ोन में पुश कर भी दिया, लोगों ने अपडेट कर भी लिया है। तो मेरा मानना यह है कि अभी आप वो फ़ोन मत लीजिए, शाओमी का कोई भी फ़ोन आप यूज़ मत करिए, चाहे वो शाओमी हो, MI हो, रेडमी हो, पोको हो, ऐसा कोई भी फ़ोन फिलहाल यूज़ मत करिए, या फिर नया मत खरीदिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसे आप जितना कम यूज़ करें, या फिर जितना उसमें कम कॉन्फिडेंशियल सामान रखेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जल्दी से जल्दी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कंपनी जो है वो अपडेट पुश करके उस चीज़ को फिक्स कर दे। नेक्स्ट फैक्टर जिसके बारे में बात करने वाले हैं, वो आते हैं इसमें एड्स। शाओमी के फ़ोन में सबको पता है, शाओमी का कोई भी फ़ोन हो, पोको की ब्रांडिंग के साथ आता हो, रेडमी के ब्रांडिंग के साथ आता हो, या फिर शाओमी के MI के खुद ब्रांडिंग के साथ आता हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें है एड्स की। तो एड्स, मुझे ये समझ में नहीं आता, जब हम किसी चीज़ के लिए पे कर रहे हैं तो हमें एड्स देखने की क्या ज़रूरत है?
चलिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब एड्स दिखाता है क्योंकि वो फ्री एप्लीकेशन है, हम उसमें पैसे कुछ नहीं लगा रहे, ठीक है मैं समझिए उसमें एड्स आते हैं। लेकिन आप शाओमी के फ़ोन में जब आप एक चाहे आप 8,000 का 7,000 का फ़ोन भी ले रहे हैं तो क्यों हम उसमें एड्स देखें, क्यों शाओमी हमें एड्स दिखाती है, बाकी कोई कंपनी तो नहीं दिखाती, एप्पल हो गए, रियलमी हो गई, ओप्पो वीवो हो गए, इतनी तो मेरे ख्याल से उसमें एड्स वगैरह नहीं आते। क्यों उसमें हमें एड्स देखने को मिलते हैं? शाओमी में हम जब पे कर रहे हैं एक सर्टेन अमाउंट, चाहे वो 7,000 हो, 8,000 हो, चाहे 50,000 हो, 50,000 का MI 10 है उसमें तक हमें ऐड्स देखने को मिलते हैं शायद से, मेरी मैंने अभी तक चेक नहीं करा है, अगर नहीं होगा तो मैं डाल दूंगा कि उसमें नहीं देखने को मिलते। लेकिन क्यों हमें ऐड्स देखने को मिलते हैं? और ऐड चलो आप दिखा रहे हैं ठीक है, जोमेटो के दिखाओ, स्विगी के दिखाओ, इन सब के दिखाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आड़े टेढ़े ऐड्स दिखा रहे हो जो कि बच्चों के लिए सही नहीं है, 18+ उसमें ऐड्स आते हैं, अजीब अजीब उसमें क्या बोलूँ अब मैं, बाकी मेरे कुछ जानने वाले भी देख रहे हैं जो कि मेरे से बड़े हैं, मैं उनके सामने बात नहीं कर सकता, लेकिन प्लीज़ मेरा शाओमी से ये है कि आप उसमें एड्स मत दिखाइए, या फिर अगर आपको एड्स दिखाने भी हैं तो फिर एड्स को एक तो कम कर दीजिए, प्लस उसकी एड्स की क्वालिटी बढ़ा दीजिए, आड़े टेढ़े एड्स मत दिखाइए। कोई भी चीज़ उसमें आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल होकर वो आपके पास आएगी, पहले तो वो चेक होता है सिक्योरिटी सिक्योरिटी ऐप में कि उसमें कोई बग तो नहीं है। अरे भाई गूगल प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करें उसमें कैसे बग होगा? अगर उसमें बग होगा या फिर चलिए बग की बात अलग है, अगर उसमें कोई वायरस वगैरह होगा गूगल प्ले स्टोर उसमें अपलोड ही नहीं करेगा, उसे एकदम रिमूव कर देगा, छोटे छोटे फैक्टर्स पे गूगल प्ले स्टोर रिमूव कर देता है। सिक्योरिटी की जो सिक्योरिटी आप हमें देते हैं, चाहे ये हर उसके लिए है, हर चाइनीज स्मार्टफोन जो बनाता है, जो जो अपने में सिक्योरिटी की एक ऐप देते हैं, तो क्यों चाहिए हमें सिक्योरिटी ऐप? एप्पल है, एप्पल में सिक्योरिटी ऐप नहीं मिलती, नोकिया में सिक्योरिटी ऐप नहीं मिलती, मोटरोला में यूज़ करो इसमें कोई सिक्योरिटी ऐप नहीं है, इसमें तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें से मेरा कोई डेटा उड़ के चले जाएगा, बल्कि आप सिक्योरिटी ऐप के नाम पे डेटा चुरा चुरा के चाइनीज़ गवर्नमेंट या जहाँ पे भी आप भेज रहे हो मुझे नहीं पता, तो ये गलत है। आप प्लीज़ सिक्योरिटी को भी हटाइए, जो कि सिक्योरिटी ऐप है उसको क्यों कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया को या किसी भी देश में जिसमें भी आपके स्मार्टफोन वो जा रहे हैं लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसमें ज़रूरत नहीं है। और एड्स की अगर बात है तो एड्स प्लीज़ आप उसमें एड्स अगर आपको दिखाने हैं ठीक है, मैं मान गया आपको पैसे कमाने हैं ठीक है, वैसे तो नहीं दिखाने चाहिए, मोरालिटी भी कोई एक चीज़ होती है, एड्स आपको नहीं दिखाने चाहिए, अगर आप दिखा भी रहे हैं आपको बहुत डेस्परेटली पैसा चाहिए तो आप प्लीज़ उसमें कोई ढंग के एड्स दिखाइए, ऊबर ओला इन सब के एड्स दिखा लीजिए या फिर कोई ऐसी कंपनी के दिखाइए जो कि आड़े टेढ़े एड्स नहीं दिखाती है, आप किसी भी टाइप के एड्स दिखा रहे हो कुछ भी आप देख लीजिए। तो मेरा ये निवेदन है हर कंपनी से जो कि एड्स दिखाना चाहती है या दिखा रही है, प्लीज़ आप उसमें एड्स मत दिखाइए, और अगर आपको दिखाने हैं तो ढंग के एड्स दिखाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें, कमेंट में नीचे लिखिए जो भी आपका अप्रिसिएशन क्रिटिसिज्म या फिर सजेशन है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि नई वीडियो आपकी पसंद की है तो वो भी आप नीचे कमेंट में हमें लिख सकते हैं, हम उसको देखेंगे और हम उस पर अमल करेंगे, और हमारे नीचे यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल्स आ रहे होंगे उस पर जाके हमें फॉलो करिए और सपोर्ट दिखाइए, अगर आपको ऐसा सवाल है जो कि हम नीचे नहीं पूछ सकते कमेंट सेक्शन में तो आप हमें DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, हम उसे जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे, और सब्सक्राइब बटन को लाल से ग्रे कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑल पे दबा दीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।